काशीपुर में एक महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आखिरकार आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया। दरअसल एक महिला दो दिन से थाना आईटीआई के सामने धरने पर बैठी हुई थी और वो पुलिस से अपने चचेरे ज्येष्ठ पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा रही थी। पुलिस ने जब महिला की कोई सुनवाई नहीं की तो पीड़ित महिला न्याय की गुहार लगाते हुए महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो के पास पहुंच गई और अपनी सभी दास्तान उनको सुना दी, जिसके बाद महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो ने थाना आईटीआई पहुंचकर महिला की रिपोर्ट दर्ज कराने को पुलिस से कहा, पर पुलिस ने उन्हें महिला हेल्पलाइन के काउंसलिंग की बात कहते हुए उनसे भी मुकदमा लिखने से मना कर दिया, जिस पर उन्होंने पुलिस महानिदेशक के आग्रह किया और पुलिस महानिदेशक के हस्तक्षेप के बाद थाना आईटीआई पुलिस ने महिला की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया। दरअसल महिला ने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 28 अगस्त को उसका चचेरा जेठ फहीम जबरदस्ती उसके कमरे में घुस आया और उसका बलात्कार किया। उसने ये भी बताया कि इसकी शिकायत जब उसने अपने पति और ससुरालियों से की तो उन्होंने भी उल्टा उसे ही डांट फटकार दिया और पति ने उसके साथ मारपीट की और धमकी दी कि ये बात किसी से नहीं बताएगी। महिला ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। वहाँ पर सर 25 अगस्त को चचेरे जेठ भाई मेरे कमरे में दोपहर को घुस आए और उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और वहाँ के अपने ससुराल वालों को जब मैंने कहा मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे ही झूठा साबित कर कि तू झूठ बोल रही है, अगर ज़्यादा किया तो तुझे ही जान से मार देंगे और आज के बाद तो घर से बाहर नहीं जाएगी ना कि किसी से बात करेगी। पाँच दिन तक मुझे वहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया। 5 दिन के बाद मैं 30 तारीख में दोबारा से मेरे साथ ये घटना होने जा रही थी, तब मैं बड़ी मुश्किल से पेगा चौकी पहुँची। वहाँ पर मैंने अपनी एप्लीकेशन दर्ज कराने पर वहाँ के सर लोग ने कहा कि मैं इसकी आगे की कार्यवाही जसपुर से करूँ। वहाँ से मैं जसपुर कोतवाली आई, जसपुर कोतवाली से मैं पतरामपुर चौकी भी गई, वहाँ से एडिशनल साहब सीओ मैम सबसे मिली, लेकिन उनसे उनसे कोई न्याय नहीं मिला। और ये पीड़िता जो है 25 सितंबर को मेरे पास पहुंची, फिर उसके बाद जो है मैं थाने आईटीआई पहुंची और उसके बाद मैंने सीओ एसआई एएसपी और एसएसपी से बात करी तो मतलब उन्होंने जो है इस जो पीड़िता पर ये आरोप लगाया कि इसकी जो है घरेलू हिंसा वाला मामला है, मारपीट वाला मामला है और ये जो है और दहेज वाला मामला है और ये आरोप लगा रही है अपने चचेरे जेठ पर। मतलब ये लड़की झूठी है और इन्होंने मतलब किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर मैंने रात को डीआईजी साहब से मतलब इसकी कंप्लेन करी और फिर उसके बाद ये जो मुकदमा जो है दर्ज हुआ। जो महिला थी जो अपने जेठ पर आरोप लगा रही थी बलात्कार का, उसका अपने परिवार वालों से फैमिली डिस्प्यूट भी था और उसने दहेज और बाकी चीज़ों की मारपीट वगैरह के लिए बाकी परिवार वालों को भी उसमें आरोपी बनाया था। तो उनका जो प्रार्थना पत्र था वो महिला हेल्पलाइन में उसकी काउंसलिंग चल रही थी, तो इसलिए जब लास्ट जो काउंसलिंग थी उससे पूर्व में ही वो एकदम से मुकदमा लिखाने के लिए जो है दबाव बनाने लगी थी, तो फिर तीसरी जो काउंसलिंग हुई उसके बाद जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ है।